हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाने वाली हूँ घर पर बहुत ही आसान तरीके से मैंगो आइसक्रीम, जो खाने में बहुत ही क्रीमी और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगने वाला मैंगो आइसक्रीम बहुत ही आसान तरीके से आप घर पर कैसे बना सकते हो उसकी सारी डिटेल इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को इन तक जरूर देखिएगा, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, जिससे कि आप बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस मैंगो आइसक्रीम घर पर बना करके आप खा सकते हो और पूरे फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो मैंगो आइसक्रीम बनाने से पहले आपसे निवेदन है दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप फर्स्ट टाइम हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली नई नई रेसिपी की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं बनाना। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने इस साइज के आम को लिया है। इसका नाम है मालदे, जिसे बाहर में इसे लैंगड़ा आम के नाम से भी जाना जाता है। ये बहुत ही स्वीट आम होता है, बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है और डिलीशियस होता है खाने में। तो सबसे पहले इस आम का सारा छिलका को हम पील कर लेंगे। तो आम को पील करने के लिए मैंने नाइफ का यूज़ किया है, आपको जिससे आसान पड़ता है उससे आप पील कर सकते हैं। तो इस तरीके से सारे छिलके को हम उतार लेंगे आम पर से। तो ये देखिए, हमारा जो है मैंगो अच्छी तरीके से पील हो गया है। तो दोनों आम को हम इसी तरीके से पील करके तैयार कर लेंगे। तो चलिए दूसरे आम को भी पील कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड, फिर से उसी तरीके से मैं यहाँ पर पील कर रही हूँ। आम के सारे छिलके को मैंने देखिए इस तरीके से पील करके हटा दिया है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर नाइफ से इसमें कट लगा देंगे, जिससे कि हमें आसानी पड़े इसे काटने में। सारे जो आम का जो पल्प है ना, वो आसानी से निकल आएगा। तो जितना भी आम में गुद्दा है उसको हम वेस्ट नहीं जाने देंगे और अच्छे से हम सारा जो पल्प है आम में से निकाल करके प्लेट में रख लेंगे। तो ये देखिए, सारे आम में से पल्प हमने निकाल लिया है। अब हम क्या करेंगे कि एक मिक्सर जार को ले करके इसमें सारे जो हमने आम के पल्प को निकाला है कट करके, उसको हम डाल करके इसमें ढक्कन लगा करके अच्छे तरीके से इसको हम पीस के तैयार कर लेंगे। तो मैं पीस के दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए फ्रेंड, मैंने पीस लिया है आम को। और आम में ये ध्यान रखिएगा कि आम हमारा जो होगा वो रेसे वाला नहीं होना चाहिए, रेसे वाला होगा तो आइसक्रीम अच्छा नहीं बनेगा। तो ये देखिए, इसकी कंसिस्टेंसी अच्छे से मैंने पीस लिया है। तो अब हम क्या करेंगे कि मिक्सचर जार से जितना भी आम है, आम को जो मैंने प्योरी बना करके रखा है, उसे हम एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। अब चलिए गैस की तरफ, मैंने यहाँ पर भारी तले की कढ़ाई को चढ़ा दिया है और यहाँ पर मैंने इस ग्लास के नाप से एक ग्लास दूध को लिया है। आप कप से नापेंगे तो 2 कप दूध हो जाएगा। ये फुल फैट पाव मिल्क है, तो यहाँ पर मैंने गाय के दूध का यूज़ किया है। नाप के अनुसार देखेंगे तो ये 250 ग्राम दूध है। तो इसमें एक बॉयल आने देते हैं। जब तक हमारे दूध में बॉयल आ रहा है तब तक हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर एक बाउल में मैं यहाँ पर 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को डाल रही हूँ। और मैंने यहाँ पर जो दूध का यूज़ किया है रूम टेम्परेचर वाला है, दूध बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो ठंडा दूध से ही हम कस्टर्ड पाउडर को घोलेंगे। तो यहाँ पर मैंने 2 चम्मच कस्टर्ड पाउडर को लिया है, तो 4 चम्मच दूध का यूज़ मैंने किया है। और अच्छी तरीके से इसे फेंटेंगे, जिससे इसमें कि लम्स ना पड़े। तो ध्यान रखिएगा, हमारा जो कस्टर्ड पाउडर को घोलें तो अच्छी तरीके से घोलें, तो दूध में जब हम डालेंगे तो गांठ पड़ने की संभावना हो सकती है, तो अच्छे से घोलना ज़रूरी है। तो देखें, यहाँ पर दूध में उबाल आ गया है और अच्छे से गर्म हो गया है हमारा दूध। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पर 2 कप दूध का यूज़ किया है, तो मैं यहाँ पर इस कप के नाप से 1/2 कप चीनी को मैं डाल रही हूँ। आप चीनी की जगह पर शहद का भी यूज़ कर सकते हो अगर आप हेल्दी बनाना चाहते हो। तो मैंने यहाँ पर शुगर का यूज़ किया है। तो अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे दूध में हम शुगर को। और देखिए, अच्छे से और भी बॉयल आ गया है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, 80% मैंने दूध को पका लिया है और 20% गाढ़ा हो गया है दूध हमारा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे कि जो कस्टर्ड को मैंने घोल के रखा था दूध के साथ में, उसे हम धीरे धीरे करके ऐड करेंगे। तो एक ही बार में नहीं डालें, तो इस तरीके से चम्मच से मिलाते रहें दूध को और कस्टर्ड को डालते रहें धीरे धीरे करके। तो देखिए, धीरे धीरे करके डालेंगे तो आपको महसूस होगा कि यहाँ पर हमारा जो दूध है गाढ़ा होना शुरू हो गया है। तो इसकी थिकनेस को आप देख सकते हैं, जैसे ही आप कस्टर्ड को डालेंगे वैसे ही थिकनेस बढ़ने लगता है दूध में से।
तो इसे हम कस्टर्ड पाउडर के साथ में 5 मिनट और पकाएंगे दूध के साथ में। तो ये देखिए फ्रेंड, दूध हमारा गाढ़ा होने लगा है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, हमारे चम्मच में जो है अच्छे से कोट हो जा रहा है कस्टर्ड मिल्क जो है हमारा। इसका मतलब है कि हमारा जो कस्टर्ड मिल्क है आइसक्रीम बनने के लिए तैयार है। जो इसे जांचने का तरीका है बिल्कुल इसी तरीके का होना चाहिए। जब आप बीच में लकीर पाड़ेंगे तो दोनों आपस में लाइन जो है वो मिलना नहीं चाहिए। इसका मतलब है कि हमारा जो है आइसक्रीम बनने के लिए दूध बिल्कुल तैयार हो गया है। तो इसे हम अब क्या करेंगे, गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और गैस के फ्लेम से हम नीचे उतार लेंगे और इस तरीके से हम चम्मच से चलाते रहेंगे लगातार। तो लगातार चलाते रहें, इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो इसे अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक बर्तन में निकाल करके। तो यहाँ पर मैंने एक बर्तन को लिया है, उसमें सारे जो हमारा कस्टर्ड मिल्क है उसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। और ये देखिए फ्रेंड, हमारा जो है कस्टर्ड मिल्क ठंडा हो गया है। तो अब हम यहाँ पर एक मिक्सर जार को ले लिया है, अब इसमें हम सारे कस्टर्ड मिल्क को डाल देंगे और इसे हम पीसेंगे। तो पीसने के समय हम इसमें जो मैंगो का प्योरी बना करके तैयार किया था उस सारे मैंगो के प्योरी को हम डाल देंगे ग्राइंडर जार के अंदर में। और इसको क्रीमी बनाने के लिए और भी ज़्यादा इसका टेस्ट को इन्हेंस बनाने के लिए यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ 4 चम्मच मिल्क पाउडर को। तो मैंने यहाँ पर अमूल का मिल्क पाउडर का यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और भी क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए मैं यहाँ पर व्हिप क्रीम का यूज़ कर रही हूँ। व्हिप क्रीम से बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आता है दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने न्यू स्टार व्हिप क्रीम का यूज़ किया है, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। अब इसमें हम ढक्कन लगा करके इसको हम पीस लेंगे। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, मैंने पीस लिया है सारे चीज़ों को। तो ये देखिए फ्रेंड, ग्राइंड करने के बाद मैं दिखा रही हूँ आपको इसका टेक्स्चर कितना क्रीमी है, आप देख सकते हैं। आप यहाँ पर व्हिप क्रीम का यूज़ करेंगे ना तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आएगा। मैं तो सजेस्ट करूँगी आप आइसक्रीम बनाने के लिए व्हिप क्रीम का ही यूज़ करें। अब मैंने यहाँ पर लिया है एक आइसक्रीम जमाने वाले कंटेनर को। अब सारे जो मैंने मिक्सचर को ग्राइंड करके तैयार किया है सारे मिक्सचर को हम इस कंटेनर में डाल देंगे। और आप देख सकते हैं अभी से ही हमारा कितना क्रीमी मैंगो आइसक्रीम देखने में लग रहा है। और मैंने यहाँ पर कोई कलर का यूज़ नहीं किया है फ्रेंड। इसमें जो मैंने मैंगो को डाला है, कस्टर्ड को डाला है, उसी से हमारे आइसक्रीम में येलोइश कलर आ गया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा लग रहा है हमारा मैंगो आइसक्रीम। अब हम यहाँ पर एक अल्मोनियम फॉयल से इसको हम कवर कर देंगे कंटेनर को अच्छी तरीके से। और इसमें हम ढक्कन लगा करके इसको 5 से 6 घंटा के लिए हम फ्रिज में छोड़ देंगे जमने के लिए। तो यहाँ पर क्रिस्टल ना पड़े हमारे आइसक्रीम में, इसीलिए मैंने अल्मोनियम फॉयल का यूज़ किया है। इसे अच्छे से कवर करके अब मैं ढक्कन लगा करके 5 से 6 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। 5 से 6 घंटा हो गया है, मैंने फ्रिज से निकाल लिया है। अब इसमें से ढक्कन हटा करके देख लेते हैं कि इसमें क्रिस्टलाइजेशन हुआ है कि नहीं। तो यहाँ पर देखें, मैंने ढक्कन हटा दिया है और इसमें बिल्कुल भी क्रिस्टलाइजेशन नहीं हुआ है फ्रेंड। अब मैं दिखाती हूँ आपको इसको ऊपर से इसे निकाल के। तो देखिए फ्रेंड, आप इसी वक्त इसका यूज़ कर सकते हो, आप इसे खा सकते हो। मैं यहाँ पर अभी यूज़ नहीं करूँगी, मैं इसे एक बार फिर से क्रश करूँगी मिक्सर जार में डाल करके। अगर आपके पास हैंड ब्लेंडर है इसे क्रश करने के लिए तो आप उससे भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर मिक्सर जार में डाल करके और भी क्रीमी टेक्सचर लाने के लिए इसे पीस रही हूँ। तो यहाँ देखिए, मैंने सारे आइसक्रीम को डाल दिया है ग्राइंडर जार में, अब इसे ग्राइंड कर लूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैंने ग्राइंड कर लिया है, फिर से मैं आइसक्रीम जमाने वाला कंटेनर में मैं डाल रही हूँ। और ये देखिए फ्रेंड, कितना क्रीमी और भी ज़्यादा क्रीमी हमारा मैंगो आइसक्रीम दिख रहा है। तो सारे मैंगो आइसक्रीम को हम इस कंटेनर में फिर से डाल करके अब मैं यहाँ पर और भी इसका टेस्ट को ज़्यादा दुगना बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पर एक मैंगो को छोटे छोटे पीसेस में काट करके रख लिया था। और मैं यहाँ पर अब सारे मैंगो को यहाँ पर आइसक्रीम में डाल दूँगी और इसे मिक्स कर लूँगी। जो कि आप इस आइसक्रीम को जब आप खाएँ तो इसका जो मैंगो का जब टुकड़ा आपके मुँह में जाए तो आपका स्वाद जो है दुगना बढ़ जाए खाने में।
तो इसीलिए मैंने यहाँ पर मैंगो को डाला है। सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद फिर से मैं यहाँ पर अल्मोनियम फॉयल को इस तरीके से कवर कर रही हूँ कंटेनर में। और देखिए यहाँ पर मैंने किस तरीके से अल्मोनियम फॉयल को लगाया है, बिल्कुल आइसक्रीम को टच करना चाहिए अल्मोनियम फॉयल। और इस तरीके से ढक्कन लगाकर इसे ओवरनाइट के लिए मैं फ्रिज में छोड़ रही हूँ। और ओवरनाइट हो चुके हैं फ्रेंड, अब मैं आपको दिखा रही हूँ। मैं रात में मैंने जमने के लिए छोड़ा था और सुबह में मैं निकाल रही हूँ और आपको मैं दिखाती हूँ कि हमारा जो मैंगो आइसक्रीम है किस तरीके से बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको देखने से ही लग रहा होगा कितना क्रीमी टेक्सचर आया है हमारे मैंगो आइसक्रीम में और कितना क्रीमी लग रहा है। अब हम इसे स्कूपर की मदद से स्कूप कर लेंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, बहुत ही ज़्यादा क्रीमी हमारा मैंगो आइसक्रीम बन के तैयार हो गया है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और डिलीशियस बना है। और इसका टेस्ट बहुत ही शानदार आता है इस तरीके से बनाने से फ्रेंड। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरे इस तरीके से घर पर बना करके। इस गर्मियों में आनंद लें मैंगो आइसक्रीम बना करके, अपने घर में पूरे फैमिली के साथ में इंजॉय करें। बहुत ही टेस्टी है, डिलीशियस है। तो आई होप फ्रेंड आपको आज की मेरी मैंगो आइसक्रीम बनाने का तरीका पसंद आया हो। तो अपने दोस्तों में, फैमिली में शेयर करना ना भूलिएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाकर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो ये देखिए फ्रेंड, बिल्कुल तैयार है हमारा मैंगो आइसक्रीम खाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कुछ काजू पिस्ता से इस तरीके से डेकोरेट कर दिया है और पुदीने के पत्ते से मैंने यहाँ पर गार्निश कर दिया है, जो कि हमारा मैंगो आइसक्रीम बहुत ही अच्छा लगे देखने में। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो डाल सकते हो, नहीं तो आप बिल्कुल इसके बगैर भी इंजॉय कर सकते हो। तो अब मैं इसका टेस्ट आपको चख कर बताती हूँ कि कैसा बना है। तो ये देखिए फ्रेंड, आपको देखने से ही पता लग रहा होगा कि कितना क्रीमी हमारा मैंगो आइसक्रीम है। और इसे खाने के बाद मैं आपको बताती हूँ, और इसका टेस्ट बहुत ही शानदार है फ्रेंड, बहुत ही लाजवाब है। तो आप ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलिएगा कि आज की मेरी आपको मैंगो आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके जवाबों का इंतज़ार रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। और आपका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।